हरि उर्फ नारायण अपने भक्तों के बीच चमत्कार का दावा करता है। भक्तों पर प्रभाव जमाने के लिए कथित बाबा खुद को विष्णु का अवतार बताता है। उसका दावा है कि उसका धर्म ही सबसे बड़ा है। बाबा अपने भक्तों के सामने चक्र के साथ खड़ा है, अपने कथित करिश्मे दिखा रहा है। बाबा सुदर्शन चक्र चला रहा है, भक्त भाव विभोर हुए जा रहे हैं। बाबा साकार हरि कभी उंगली पर चक्र चलाता है, कभी त्रिशूल तो कभी तीर कमान चलाता है और बीच बीच में भक्तों पर ज्ञान की वर्षा भी करता है। बाबा की बहन सोनकली ने जी न्यूज से दावा किया कि बाबा सुदर्शन चक्र चलाकर चमत्कार दिखाते थे। अंगुलिया चक्कर चलतो सो देखो मैंने खुदा आखन से। अच्छा, और क्या देखा? जैसे चमत्कार कभी तो आते है, आजकल पढ़ी लिखी समाज है, दे देवता ना कोई किसी को मानतो है। और बिना के अगर चमत्कार ना आते तो दुनिया पगला क्यों आते, चमत्कार के पीछे आते। बाबा के भक्त और परिवार के लोग चमत्कार का दावा कर रहे हैं, लेकिन बाबा भी किसी से पीछे नहीं है। उसके दावे तो सातवें आसमान पर है। और फर्जी भगवान और फर्जी सतगुरु बने बैठे हैं उनको गोल पैदा करूंगा, उनको कोड़ी बनाऊंगा, उनका पतन करूंगा, पतन करूंगा। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्लेग भी पैदा कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जहर खत्म करने के लिए मेरा प्राकृत हुआ है। अब मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। भगवान के कथित अवतार बने इस बाबा के दावे भी पाखंडी है। भाई अगर ये भगवान होते तो ये हादसा क्यों होता? इतने बड़ा हादसा होने से रोक लेते अगर ये भगवान होते तो? अगर ये भगवान होते तो इतना बड़ा हादसा क्यों होता? ये तो सब ढिलोरेबाजी है इनकी, पब्लिक को बेवकूफ बनाना। आपने जाना बंद किया? वो तो वो ये कहते थे कि चोरी चकोरी मत करो, लूट घसूट मत करो, डकैती मंडारो, दारू मत पियो, शराब मत पियो, या काम है तो आदमी वैसे ही अपने दिमाग में फीट कर ले तो वो तो वैसे ही सुधर जाएगा। फिर वो भगवान कहाँ तेरे? देखो हम तो एक बात जानते हैं कि जो ज़्यादा झूठ बोल लेगो जनता के तहत, जो ज़्यादा गुमराह कर लेगो वही भगवान बन जाते है। और जनता इतनी दिमाग ते पैदर है, लकीर की फकीर, कि एक चल लो तो पीछे दशियों चल लेते हैं। साकार हरि खुद को विष्णु का अवतार बताता है, चुटकी में सारे दुख दूर कर देता है, भूत प्रेत भगाने का दावा करता है, अधर्म के विनाश का दावा करता है, फर्जी सदगुरुओं को खत्म करने का दावा करता है, तंत्र मंत्र से परेशानियां छू मंत्र करने की बात करता है।